हे गाइस, वेलकम बैक टू द आर्यंस व्लॉग। सो कैसे हैं आप सब? होप सो सब सही होंगे। एक साल बाद फिर से यूट्यूब पे आ गया हूँ मैं, कि बिकॉज कुछ रीजंस की वजह से मुझे व्लॉगिंग बंद करनी पड़ी थी, लेकिन कोई बात नहीं, फिर से अब स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैं अपना चैनल। सो नए नए व्लॉग्स आने वाले हैं, डेली व्लॉग्स भी आ सकते हैं और एक दिन छोड़ के भी व्लॉग्स आ सकते हैं मेरे चैनल पे। और जो मेरे व्लॉग्स होंगे वो लाइफस्टाइल से रिलेटेड होंगे, मोटो व्लॉगिंग से रिलेटेड होंगे, एंड सेकेंडली एकदम नया कंटेंट लेके आ रहा हूँ मैं, जो आई गेस सो कोई नहीं बनाता होगा, लाइव गूगल मैप। या सो लाइव गूगल मैप की तरह मैं आपको काम आऊँगा, रोड टू रोड मैं आपको रास्ता दिखाऊँगा पूरे लखनऊ का, जो कि सबसे अच्छी चीज़ है। बहुत लोग होते हैं भटक जाते हैं, रास्ता गलियां भूल जाते हैं, शॉर्टकट्स नहीं पता होता, गूगल मैप शॉर्टकट्स नहीं बताता है, तो उनके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल मैं होऊंगा। और दूसरी चीज़, जो टूरिज्म होते हैं वो बाहर से आते हैं, उन्हें पता नहीं होता कहाँ जाना है, किधर ऑटो वाला लेके जा रहा है, गलत सलत ले जाता है, लंबे रास्ते से ले जाता है एंड पैसे ज़्यादा ले लेता है। सो उसके लिए भी मैं आपको व्लॉगिंग करके दिखाऊँगा, वहाँ से वहाँ का दूसरी तरफ का रास्ता दिखाऊँगा। और इफ़ वो गलत रास्ते से आपको ले जाएगा तो आप उसे बता सकते हैं कि भैया रास्ता इधर से नहीं है, ये लॉन्ग कट है, आप शॉर्टकट से ले जाइए, आपने आर्यन के व्लॉग में देखा था। ठीक है, सो सबसे अच्छी चीज़ तो ये है, एंड दूसरी चीज़ ये इंफॉर्मेटिव कंटेंट है, सो हो सकता है कि बहुत लोगों के यूज़फुल रहे मेरा व्लॉग। सो आज से ही मैंने स्टार्ट कर दिया है, अभी वीडियो आने वाली है जो कि है चारबाग से हजरतगंज की, जो अभी थोड़े ही सेकंड्स में स्टार्ट होने वाली है। सो इफ़ आप अगर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, जिससे मैं धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट कर दूँ। सो हम लोग आ गए हैं चारबाग पे, आप देख सकते हैं मेरे कैमरे में, इट्स ब्यूटीफुल बिल्डिंग। एंड अब यहाँ से हम लोग ले लेते हैं, जैसे आपकी ट्रेन यहाँ पे आई है, ठीक है, ट्रेन आपको यहाँ उतार रही है, आप यहाँ से बाहर निकले हैं, तो आपके लिए यहाँ पे जितने ऑटोज ये खड़े हुए हैं ये अवेलेबल हैं, ये आपसे अलग अलग किराए लेंगे, आपको थोड़ा मोल भाव या फिर वो करना पड़ेगा, थोड़ा भैया इतना कर लो उतना कर लो, ठीक है। एंड यहाँ पे जैसे ही आप कर लेंगे, बुक कर लिए ऑटो, फिर हम इधर ही से ये ले जाएगा हजरतगंज, हजरतगंज आपको जाना है तो हजरतगंज की साइड ही आपको ले जाएगा, तो हजरतगंज चलते हैं। हम लोग ने मोड़ लिया, यू टर्न ले लिया, अब हम लोग हजरतगंज की साइड चल रहे हैं चारबाग से। बस ये ध्यान रखिए कि जिधर जिधर मैं ले जा रहा हूँ उधर ही से हजरतगंज आएगा, इफ़ ऑटो वाला कहीं और से ले जाता है तो मतलब समझ लीजिए वो आपको लॉन्ग टर्न से ले जा रहा है या लॉन्ग वे से ले जा रहा है। सो मैं आपको सबसे शॉर्टकट वे बता रहा हूँ जिधर से आप हजरतगंज पहुँच सकते हैं। सो ये हम लोग एग्जिट कर गए हैं चारबाग, एंड यहाँ से अब हम लोग ले लेते हैं राइट हैंड साइड। एंड चलिए चलते हैं। मोस्टली चारबाग तक का जो किराया पड़ता है मेट्रो से, जो पड़ता है चारबाग से हजरतगंज का, वो पड़ता है शायद 20 से 25 रुपए पड़ता है। एंड टैक्सी से जो पड़ता है वो शायद 15 रुपीज़ पड़ता है, 15 to 20 रुपीज़, मतलब 5-5 रुपए का डिफरेंस आता है। बट यहाँ ऑटो से यहाँ पड़ता है आपका 50 to 60-70 रुपीज़ भी वो लोग ले सकते हैं, मे बी 100 भी मांग लें, तो उस वो डिफर करता है वो ऑटो वाले पे, एंड सेकेंडली कैसे आप उससे डील कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। एंड यहाँ से जो आपका व्हीकल वे है वो मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ, मेट्रो से अगर आप जाएंगे तो डायरेक्टली वो आपको मेट्रो स्टेशन पे नीचे उतारेगी अंडरग्राउंड पे, उससे आपको ऊपर आना पड़ेगा, वो भी मैं अभी आपको व्लॉग में ही दिखा दूंगा कि कहाँ पे आप उतरेंगे जब आप चारबाग से हजरतगंज उतरेंगे मेट्रो से। सही से रिकॉर्ड हो रही है कि नहीं हो रही, क्योंकि मुझे नहीं पता, अभी मैंने माउंट सही से किया नहीं है तो मुझे इतना आइडिया नहीं कि वीडियो सही से रिकॉर्ड हो रही कि नहीं, तो चेक कर लेते हैं।
सो वीडियो तो सही आ रही है वीडियो। को क्या बोलते हैं ये तो मुझे भी इतना आइडिया नहीं है, अभी देखता हूँ किसी बोर्ड पे फल लिखा हो तो मैं आपको बताता हूँ। हाँ तो ये हम लोग आ गए हुसैनगंज चौराहे पे, सॉरी भूल गया था मैं ही चौराहे का नाम, एंड हुसैनगंज चौराहे पे आ गए। हुसैनगंज चौराहे से भी हम लोग को सीधे ही जाना है, कहीं मुड़ना नहीं है। ट्रैफिक ओपन हो गया है, चलते हैं हम लोग सीधे ही, कहीं मुड़ना नहीं है। तो कैमरे की जो बैटरी थी वो ओवर अप हो गई जैसे हमने बर्लिंगटन चौराहा क्रॉस किया, तो अब हम लोग जा रहे हैं हजरतगंज की साइड ही जा रहे हैं, आपको पता ही है। एंड वीडियो को मजा लीजिए सॉन्ग के साथ।
लेफ्ट हमें जाना है हजरतगंज साइड। अगर आप सीधे जाएंगे तो आप श्रीराम टावर पहुँचेंगे। अगर आप राइट पहुँच जाएंगे तो आप चिड़ियाघर जू जो लखनऊ का उधर पहुँच जाएंगे। तो ये हम लोग एंटर कर चुके हैं हजरतगंज की साइड। हजरतगंज हम लोग आ गए हैं। इधर आप देख सकते हैं ये हजरतगंज की मतलब हजरतगंज के अंदर बिल्डिंग्स हैं। एंड हजरतगंज का गंज का भी अलग से एक ब्लॉग आएगा, कहाँ पे क्या चीज़ है, कौन सी चीज़ अच्छी है। ये देखिए सेंट जोसेफ कैथेड्रल भी है यहाँ पे। एंड यहीं पे ब्लॉग ओवर करते हैं। अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करिए एंड नेक्स्ट ब्लॉग में जल्दी मिलते हैं।